एकदम से तेंदुए की आवाज आई है ना। ये देखिए दोस्तों बारहसिंगा। हरिओम दोस्तों, अभी मैं भेड़ पालकों के डेरे में आया हूँ। और ये जो भेड़ पालक है पहले हमारे गांव के सामने पहाड़ी पे थे, लेकिन अब यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो मैं इनके लिए लाया हूँ जूस। हाँ जूस पीते हैं। ये है संतरे का जूस, देखिए ऑरेंज उतारा भी है यहाँ पे। और ये है अंगूर का जूस। अरे भाई अंगूर का जूस खाओ, खून बढ़ जाएगा। खून बढ़ जाएगा। क्या दिन। जहाँ गैस से बनाया जैसे कॉफी होती है ना। कॉफी है। कॉफी है सच में। हाँ कॉफी है, पर कॉफी में पत्ती थोड़ी डालती है भाई। कैसी है। बढ़िया। कितनी देर पहले पैदा हुए। ये हो गए 3-4 घंटे पहले। दूध निप्पल में पीती है। दूध निप्पल में। कितनी उम्र है इसकी। इसकी इसकी हो गई 5 महीने हो गए। अच्छा 5 महीने, और अभी भी निप्पल से दूध पीती है। हैं कब बड़ी होगी तू। 30,000 का बकरा जम्मू से ले आया है। 30,000 का। हाँ नस्ली पास से। कान कितने लंबे लंबे हैं इसके। वही सुंदरू। ये वाला अपने बकरे का है। एक ग्लास दूध दिया इस बकरी ने। क्या हुआ। ओहो घोड़े की रस्सी टूट गई। भाई संगल तो तोड़ेंगे कुत्ते। इस फीमेल डॉग का है ये बच्चा, अभी 1 साल का। गुड्डी ओए गुदगर। भेड़ बकरी कितनी है टोटल। ये छोटी गुड्डी है 350 जी, 2-3 बंदे की है हमारी ये। वैसे डेरे में ना ऐसे ही कुत्ते होने चाहिए। हाँ जी हाँ जी। इन कुत्तों ने काटा भी है किसी काटा को। है काटा। नीचे देखा है घास कैसे काट रही थी। ओ, बहुत जलन थी इसको। हाँ, जलन। ये भी ऐसे बनेगी। ये तो इससे ज्यादा बनी। ये तो इनसे भी खूंखार बनेगी। वहां तो मुझे टूट के पड़ रही थी। हैं अब बोल। यह है बान नस्ल की फीमेल डॉग, सॉरी पपी। देखिए कितने बड़े बड़े बाल आ गए हैं इसको भी, टांगों में भी। पूरी फरी लग रही है, फरी फ्रेंड। पिछली बार जब मैं यहाँ पे शूट कर रहा था ना इसी जगह पे, हाँ जी हाँ जी, तो वीडियो बनाते बनाते ना हमें एकदम से आवाज आई। अच्छा। वहाँ पे सामने घर दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे पड़ गया था तेंदुआ एक औरत पे। अच्छा। हाँ अभी भी खाई एक औरत थी यहाँ। कहाँ। यहाँ ऊपर वो बंद किया थी ना। अच्छा वो पिंजरा लगाया। पिंजरा लगाया था। हाँ हाँ। वो तोड़ दिया पिंजरा, फिर जिन्ना को लाया यहाँ कसा। मैंने सुना था कि वो पिंजरा पुराना था, काफी जंग लग गई थी। जंग लगा हुआ था ना उसमें, तभी तो उसने वो तोड़ा। साइड में बोरियां रख दी हैं, ऊपर से तरपाल, फिर अंदर ठंड से बचे रहते हैं पूरी रात भर, है ना भाई।
हरी मिर्च ना है। खानी आपने हरी मिर्च? मैं नहीं खाता भाई। खाता है यार, ऐसे करो मार के आराम से आ जाएगी ऊपर, आ जाएगा ऊपर। चेयर्स, हाँ चेयर्स हो गई अब। ये लो। ओके जी, थैंक यू। जहाँ खत्म होने के बाद इतनी बची है, अभी खा लेते हैं। कैसा टेस्ट है? खा खाओ, कैसा बना खाना? बढ़िया। एकदम से तेंदुए की आवाज आई है ना? हाँ, अभी खाना खाते खाते अभी मतलब एक मिनट भी नहीं हुआ उस साइड से। बर्तन मज रहे हैं, बर्तन गंदे हैं। आपकी ड्यूटी है कितने बजे तक? एक बजे। फिर आप आ जाओगे? दूसरे बाद में आप वहां से होगे? ये पिछाना के वो दूसरा बकरिया कुछ भी बिछा दो, वो खूब एक आता है। नहीं ये देखिए दोस्तों, बारह सिंगा। हाँ, पेड़ के पीछे है अभी वो जा रहा है ऊपर को। जा रहा है, देख पेड़ ऊपर ही है। वो देख रहा है इस साइड। तो यहाँ सोया था अभी मैं, ये कुत्ते इसको भौंक रहे थे। सोए हुए थे, बोला तो था उतने को दौड़ा ना वो पहुंचे ऊपर। अगर ये खुले होते कट देना था। थैंक यू भाई, थैंक यू। चार पांच दिन का हो गया है। सच में? भेड़ का बच्चा, इसकी ग्रोथ कम है ना। जब मैं यहाँ पे सोया हुआ था अभी तो बारह सिंगा बोल तो रहे थे, लेकिन मैं नींद में था क्योंकि मुझे नींद लेट आई रात को। लेकिन यहाँ से गया, यहाँ से बिल्कुल करीब से मैंने देखा रहा भाई। पहली बार देखा था आज। आप भी सोए रह गया ना? सोए रह गया। इनको मैंने फिर फोन में दिखाया। गुड्डू गुड्डू गुड्डू, दोस्तों मोर नाच रहा है ऊपर। यह जंगली मुर्गा, और वो मोर है वहां जैसे। चारों तरफ से पूरी रात भर मोरों की आवाज आ रही थी, है ना भाई? इसकी माँ मर गई। मर गई है? ओहो। और तुझे क्या चाहिए?
हैं। ये भी इसको भी दूध। अच्छा इसको भी दूध ही चाहिए। भाई आपको कांटा लग गया किस चीज का? गरने का। गरने का? आप बकरियों से निकाल के? बकरियों से निकाल के। आप कितने बार छोड़ोगे माल? बस छोड़ रहे हैं अब। चल पड़े? हाँ जी हाँ जी। आप कितने बजे आओगे? 11 11 फिर खाना बनेगा। इसी साइड तेंदुआ गूंज रहा था, रात को जरा ध्यान से जाना ना। हाँ जी ठीक है। अगर दिख गया तो डंडे से मारोगे उसको? मार देंगे उसको डंडे से। चलो ठीक है भाई फिर। ठीक है जी। मैं पहुंच गया अभी सुंदरी के पास और इसकी सीट देखिए कितनी गिल्ली है। अभी मैं घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे ये दिखे, इनकी ये जो दो भेड़े हैं इनका एक्सीडेंट हो गया बेचारी, और इस वाले भेड्डू की तो हड्डी टूट गई अगली टांग की। भाई तू जिसने एक्सीडेंट किया वो भाग गया? हाँ जी। हो गई सुला? हाँ जी हाँ जी। कितने रुपए दिए उन्होंने? वो कुछ नहीं दिया, 7,000 रुपए दिया। 7,000? भेड्डे आप ही लेके जाओगे दोनों? भेड्डे ले जाएंगे, अब कहाँ डालेंगे। अगर आपने भेड्डे इनको ही देनी होती तो कितने मांगे थे आपने? 20,000 मांगा था। 20,000 है ना। पुलिस वालों के जाने से पहले इन्होंने बोला था कि हम दोनों भेड्डों को अपनी गाड़ी में लेके जाएंगे घागस तक, है ना भाई तू? बोला था ना इन्होंने? ऊपर से बारिश लगी है और ये ताकी नहीं खोल रहे हैं। व्लॉगिंग करने का एक फायदा मैंने देख लिया कि जैसे इनको पता लगा कि यूट्यूब पे इनकी वीडियो डल जाएगी तो एकदम से ये मान गए दोनों भेड़ों को घागस छोड़ने के लिए। देखो अभी ला रहे हैं वो। रोड पे धीरे चला कीजिए क्योंकि अखबार पे न्यूज़ आती रहती है कि ट्रक ने 80-90 भेड़े एक साथ कुचल दी। हिमाचल में ऐसा होता रहता है। वो चले गए और मैंने सुंदरी नीचे पुल के पास खड़ी की है और साथ में यहाँ पे नर्सरी है पौधों की। घर जाने से पहले तो छोले भटूरे खा लेते हैं।